दोस्तों सूर्य कुमार यादव की शून्य की हैट्रिक यानी कि 3 बार गोल्डन डक प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन डक होता क्या है। वैसे बहुत किसी को पता होगा कि क्या होता है गोल्डन डक, और जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं दोस्तों। गोल्डन डक उसे कहते हैं जो पारी के पहले ही गेंद पे आउट हो जाता है, यानी कि शून्य पे आउट होता है, उसे गोल्डन डक कहते हैं। एक भी रन नहीं बना पाना उसे गोल्डन डक कहते हैं। दोस्तों इसमें सचिन तेंदुलकर भी फंस गए थे इस चक्कर में, और सचिन तेंदुलकर ही नहीं बल्कि 6 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस चक्कर में फंसे। खैर अभी हम फिलहाल सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए उन 6 खिलाड़ियों के बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 इंटरनेशनल में एक से बढ़कर एक विस्फोटक पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 1 रन नहीं बना पाए। 3 मैचों की सीरीज के हर मुकाबले में वो पहली गेंद पर आउट होकर मैदान से वापस लौटे। सूर्य कुमार यादव भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जो एक सीरीज में ऐसे 3 लगातार मैच में 0 पर आउट हुए। वैसे सचिन तेंदुलकर और जैसे दिग्गज को भी इस वनडे करियर में ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को मिलाकर अब कुल 6 भारतीय लगातार 3 बार वनडे में बिना खाता खोले वापस लौटे। चलिए आज जानते हैं इस 6 प्लेयर के बारे में। दोस्तों साल 1994 में सचिन तेंदुलकर को वनडे में लगातार 3 पारियों में बिना खाता खोले आउट होकर वापस लौटना पड़ा था। वहीं अनिल कुंबले के साथ भी 1996 में ऐसे ही कुछ हुआ था। उसके बाद दोस्तों जाहिर खान 2004 में वनडे के 3 लगातार पारी में 0 पर आउट हुए थे, जबकि शांत शर्मा भी 2011 में ऐसे ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज करा बैठे। उसके बाद दोस्तों आता है आखिरी बार जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह 2018 में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब 6 नंबर पर सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं। दोस्तों खैर तो क्रिकेट है और क्रिकेट में ऐसा कुछ होते रहता है। अब देखना ये है कि सूर्य कुमार यादव को आगे मौका मिलता है या नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।